नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि किचन की सिंक होती है, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ फिर से एक नया टिप्स लेकर के आया हूं। जैसे कि सिंक अगर बहुत ज्यादा दाग लग जाते हैं, जैसे देख सकते हैं अभी आप लोग व्हाइट कलर के चिपचिपे जैसे ऑयली जैसे दाग लगते हैं, जैसे कि हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो उनके छींटे जाते हैं, तो उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा गंदी दिखती है, घिनघिनी दिखती है, तो इसको दोस्तों कैसे हम इसको मतलब रिमूव करेंगे इस गंदगी को। तो यहाँ पे देखिए, आज मैंने ये टास्की आटू केमिकल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों, कहाँ पे मिलेगा, कितने का मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्लीनर है, जो कि ये ऑल क्लीनर है, मतलब सभी चीज़ों को क्लीन करता है, जैसे कि टाइल वगैरह भी होती है, मार्बल होते हैं, जैसे कि स्टील का सिंक है, वॉश बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लेने वाला हूँ इसके साथ में दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक दोस्तों देखते रहना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा जो वीडियो है डेली दोस्तों 12 बजे मेरा मतलब 12 PM पर मेरा वीडियो आता है डेली, ठीक है। तो आप लोग वीडियो मेरा देखा करें, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों मेरा कल वीडियो आएगा 12 बजे, टाइल के गंदे दाग को कैसे छुटाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं छुट रहे हैं हार्पिक वगैरह से भी, किसी से भी, तो कैसे उसको रिमूव करेंगे दोस्तों, वो भी सेकेंडों में। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी दोस्तों जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंक को क्लीन करने वाले हैं दो चीज़ों की मदद से। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं ये क्या होता है, जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं तो छींटे जाते हैं, गंदे बर्तन सब्जियों के, है ना, तो गंदे बर्तनों के धोने की वजह से छींटे जाने के बाद में इस तरह तरीका के दाग लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही भद्दी दिखती है। तो यहाँ पे मैंने टास्की आटू केमिकल ये कॉलिन का खाली बोतल में मैंने भर के रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मैंने 100 ml लिया था, उसके बाद में मैंने इसके अंदर आधे का पानी भी मिलाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा जो चीज़ है वो सादा सिंपल दोस्तों नींबू लेने वाला हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से आधा नींबू लेंगे और टास्की आटू केमिकल कैसे यूज करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसका थोड़ा सा स्प्रे करना है इसी के ऊपर, इस तरह से इसके ऊपर इसको डाल देंगे। ये क्लीनर है दोस्तों, टाइल को चमकाता है, मार्बल को भी, ये शाइनिंग लाने वाला केमिकल है। इसके बारे में किसी को भी शायद 99% लोगों को जानकारी नहीं है, इससे सिंक को भी हम क्लीन कर सकते हैं या चिमनी को भी। देखिए इस तरह कैसे इसका स्प्रे कर लेना है। अब दोस्तों करना क्या है, बहुत ही सादा सिंपल था दोस्तों टिप्स है ये। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका रस वाला नींबू लेना है। नींबू के अंदर भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड होता है, जब ये टास्की आटू से टकराता है तो दोस्तों भीषण से भीषण दाग को दोस्तों ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है परमानेंटली। इस तरह तरीका से दोस्तों इसको रगड़ना है हल्के हाथों से, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 मिनट का खेल है और बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा जैसे अभी नया लगाया हो तरह से। इस तरह से इसको रगड़ते रहना है, बाद में हम जूना भी लेने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स मिलने वाली हैं, शायद ही आपको कोई इस तरीका की जानकारी दे पाएगा। क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों आपको हाउसकीपिंग ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे, साथ ही साथ कुछ किचन टिप्स भी आपको मिलेंगे, कुछ घरेलू नुस्खे भी आपको मैं यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, देखिए बर्तन धोने वाला, हम इससे अब रगड़ेंगे इसको। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको रगड़ रगड़ के इसके सारे दाग धब्बों को रिमूव कर दिया है, चलिए अब इसको धो लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं हमारा जो सिंक है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है दोस्तों, इसी तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं दोस्तों। टास्की आटू केमिकल आपको वहाँ मिलेगा, मतलब जहाँ पे हार्पिक पोचा वाइपर वगैरह मिलते हैं बड़े से किराना स्टोर पर, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, 400-500 रुपये के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।